गाइस, आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए, आपका एजुकेशनल चैनल है और आपको उसको ग्रो कराना, किस पॉइंट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि आपके चैनल की ग्रोथ देखने को मिले, क्या नाम रखें जैसे चैनल सर्च में, मतलब हर एक पॉइंट आपको बताएंगे। 5 से 6 ऐसे पॉइंट है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। आपको 1 से 2 महीने में आपकी चैनल, जो एजुकेशनल चैनल है, आपको ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। तो किस लेवल में आपको वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा जल्द ही आपके चैनल की ग्रोथ देखने को मिले, तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखिएगा। और उससे पहले, अभी तक आपने आशीष टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में आपको बेल आइकन दिख रहा है, उसको प्रेस कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं कोई भी वीडियो आता आपके तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। उससे पहले बात करते हैं कि आप एजुकेशनल वीडियो बनाने की सोच रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप अपने वीडियो को कितना बेहतर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में। आप देखते हो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सब व्हाइट वो देख रहे बोर्ड लेके यूज करते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरीके नहीं, स्क्रीन वाला आता वो यूज कर रहे हैं। व्हाइट बोर्ड तो नॉर्मल होता है, तो डिस्प्ले वाले जो व्हाइट बोर्ड आ रहे हैं उसका यूज कर रहे हैं। और आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाओगे तो उनको जो ऑडियंस है वो इतना नहीं इंगेज होगी जो आपकी वीडियो को देखेगी। तो आपको किस तरीके से वीडियो देखिए, ज्यादा जब आपके पास ऐसा कुछ नहीं तो आप स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बनाइए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे ट्रिक रेक हो गई वो आप दीजिए, वरना आप स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो बनाइए, लैपटॉप ये हो गया उससे बनाइए, बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ये तो नॉर्मल ही आपको बताइए, ये कोई पॉइंट नहीं, आपको ये चीज बताना चाहिए। अब आपको जब यूट्यूब पर आए हैं तो सबसे पहले आपको किन चीजों पर ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले आपको इसके पीछे नहीं भागना है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए। ये कि इन दोनों की चीज के पीछे भागोगे आपका चैनल खराब हो जाएगा। जब 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा भी हो जाएगा तो फिर आपकी व्यू नहीं आएंगे, तो आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो आपको इसके पीछे नहीं भागना, आपको भागना किसके पीछे, व्यू के पीछे भागना। अपने चैनल पर व्यू कैसे लाए, ज्यादा से ज्यादा व्यू कैसे लाए, जब ज्यादा व्यू आएंगे तो हर चीज आपको मिल जाएगी पर्याप्त 1 से 2 महीने, ठीक है। तो आपको अब काम क्या करना, जब भी आप वीडियो डालते हो सबसे ज्यादा फोकस करना आपके थंबनेल पर। और शुरुआत में आप फेमस नहीं तो आप जो यूट्यूबर हैं, मतलब जो यूट्यूब पर जो मास्टर फेमस है, आप उनकी फोटो को यूज कीजिए तब तक जब तक आपका चैनल मोनेटाइज के लिए नहीं जाता। जब मोनेटाइज के लिए जाए तो उसको आप हटा लीजिए, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता। जब आपको मतलब आपकी व्यू अच्छे आने लगे तो आप नॉर्मली उसमें अपनी फोटो लगा सकते हैं, इसे बोलते हैं क्लिक बेट। और आपको क्लिक बेट बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए, आपको 5 से 6 वीडियो ऐसे देखने चाहिए क्लिक बेट कैसे करें, तो इस चीज को आप सीखिए बहुत ज्यादा। इस पे आप फोकस कर लिए आपकी व्यू तो 1 महीने के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लिक बेट कैसे करें ये आप सीखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 2 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइटल इंग्लिश और हिंदी में लिखना होगा, क्योंकि लोग बाग हिंदी में सर्च करते हैं और इंग्लिश में भी सर्च करते हैं, तो टाइटल आपको अच्छा लिखना होगा। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा बहुत कुछ नहीं देना, क्योंकि इन फ्यूचर हम बिल्कुल बेस बता रहे हैं जो चीज आप सुनिए। इन फ्यूचर आप क्या होगा, जब आप डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा मेटा डाटा भर देंगे तो आपको मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा, तो इससे बचना है। कम से कम रखना है, हैशटैग लगाना और आपको टैग तो जरूर लगाना। उसके बाद आपको एंड स्क्रीन आई बटन, इस चीज को आपको फोकस जरूर करना। अब बात करते हैं कि जब आप वीडियो आप एडिट करते हो उस टाइम आपको ज्यादा फोकस करना है कि वीडियो में हमने कब कहाँ बोला है, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी वीडियो में। शुरुआती टाइम पर आपको ऐसी चीजें बोलना है कि आपकी ऑडियंस रुक सके। और आप देखिए आपके वीडियो कौन से ज्यादा टॉप मतलब चल रहे हैं, जैसे आपने 30 वीडियो डाल दी, अब 30 वीडियो में आपके कौन से वीडियो पर अच्छे व्यू आए हैं, तो आप कोशिश करिए उस तरीके के वीडियो बनाने में, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता कि हम वीडियो तो बना रहे हैं, वीडियो चल भी रहा आप पीछे, और हफ्ते में आप पूरे जो वीडियो है उनको एक बार रिवाइज कीजिए, मतलब देखिए कौन सा वीडियो मेरा चल रहा, कौन सा वीडियो रुक रहा है, कौन सा मतलब इस तरीके से आप देखते रहिए तो आपको पता लग जाएगा इस तरीके चलते तो हमें इस तरीके की वीडियो बनानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी आप चैनल का नाम रख रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट रखें, जिससे कि सामने वाला आपके चैनल को सर्च कर सके। ध्यान रखिए बहुत ज्यादा मैटर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा ना तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इससे आपको चैनल पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि अब शुरुआत बिल्कुल शुरुआत है तो आप क्या और कर सकते हैं जिससे कि आपकी व्यू बढ़े, आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़े। देखिए सिंपल फंडा ये है कि आपको वॉच टाइम बढ़ाना होगा। इससे क्या होगा कि लोग बाग जैसे आपने 20 मिनट का वीडियो डाला तो 20 मिनट में, जैसे आपने 6 मिनट का वीडियो डाला तो 2 मिनट देख के निकल जाएगा, वही आपने 20 मिनट का वीडियो डाला तो कम से कम 6 मिनट देखेगा, तो आपका टारगेट तो 6 मिनट है ना, तो कोशिश करिए ज्यादा मिनट खींचने की। और शुरुआत में एंगेजमेंट ऐसी दीजिए कि इस वीडियो में हम 5 पॉइंट बताएंगे, 3 पॉइंट बता दिए, 2 पॉइंट लास्ट में बताएंगे, इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस रुकेगी, तो ये चीज आपको सीखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और मतलब जो भी आपका थंबनेल उस पे ऐसी क्वेश्चन लिखिए या कुछ ऐसा लिखिए कि सामने वाले को क्लिक करना पड़े। जिस टाइम एक शब्द में यूट्यूब की परिभाषा दें तो क्लिक बेट, और कुछ नहीं। आपने क्लिक बेट करना सीख लिया, आपकी व्यू ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी परिभाषा एक शब्द में है क्लिक बेट। आपने क्लिक बेट अच्छा करना सीख लिया, आपके चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा।
अब ये क्लिक रेट कैसे होता है ये आपको सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए और बता देते हैं, जिससे कि आप थंबनेल बनाएंगे वो आपका पिक्सल लैब है, आप पिक्सल लैब से बेहतर बना सकते हैं और उसको सीखिए। पिक्सल लैब नहीं तो कैनवा से बना सकते हैं, जितने मेरे थंबनेल आते हैं वो कैनवा से बने होते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। और आगे आप जो देखना चाहेंगे कैनमास्टर से एडिट करना चाहें तो कैनमास्टर से कर सकते हैं, पावर डायरेक्टर से करना चाहें तो पावर डायरेक्टर से कर सकते हैं। और आप एक चीज और कि आपको अपनी वीडियो को ज्यादा एमबी में अपलोड करना, जैसे 4K हो गया इसमें अपलोड करना, इससे क्या होगा कि जब भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा उसके बाद रुपए आएंगे, तो जब आपका चैनल ग्रोथ पे चलता है तो फेक स्ट्राइक आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको बचने के लिए ये आप जब आपका वीडियो 4K में होगा तो आप पर कोई भी स्ट्राइक नहीं देगा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा फिर लास्ट में परेशान होंगे, तो इस चीज पर भी आप फोकस करिए, शुरुआत में ये चीज लेके चलिए क्योंकि मुझे पता वो चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट आपको थंबनेल, उसके बाद क्लिकबेट बहुत अच्छे से करना सीखना पड़ेगा। आप भले ही एक बार थंबनेल बनाना ना सीखे लेकिन क्लिकबेट करना जरूर सीखेंगे, क्योंकि हम इसलिए फोकस कर रहे हैं, आज के जमाने में आपने क्लिकबेट करना नहीं सीखा तो कुछ नहीं है आपके चैनल। ठीक है, उसके बाद आप थंबनेल बनाना सीखिए और वीडियो को कैसे एडिट करना है ये चीज सीखिए, और एजुकेशनल वीडियो किस पर्पज पे और किस तरीके के बनाना है वो तो आप सीखेंगे। तो इतनी चीजें सीखिए और बस यही इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ फोकस हमने आपको बता दिया किस पे करना, क्लिकबेट। आप क्लिकबेट करना सीखिए, ज्यादा मतलब नहीं करिए, 70-80% कीजिए, बिल्कुल ही आप लिख दो तो ऐसा नहीं, तो ये इसलिए बता रहे क्योंकि हम आपके चैनल को ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो ये चीज आप अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लिया उसके लिए थैंक यू। बगल में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा कोई वीडियो आता आपके तक पहुँच सके। और ये एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो देते हैं, इनको आप देखिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, और बस आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।